हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जे जे नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स की क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में। इसमें एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड है जिसको आप अच्छे से याद कर पाएंगे। बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये जो नंबर है 5 ईयर्स प्लान के बारे में जानते हैं, पर उसको डेट वाइज हमको याद नहीं रह पाता, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, तो एक छोटा सा ट्रिक को थोड़ा सा आजमा के देखिए, शायद आपको बहुत फायदेमंद मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान से अभी तक कंटिन्यूएशन पे बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक अपनाया है, जिसमें इस ट्रिक में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये लॉन्च किया गया था 1951 में से लेके 1956 तक, ये कंटिन्यूएशन में है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 1956 तक चला था। देन सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 टू 1961 तक चला है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है 1961 1966, ये यहाँ तक ये कंटिन्यूशंस में चला है। नेक्स्ट देखते हैं एनुअल प्लान, इसके बाद में ही थोड़ा सा हमको देखना रहता है कि इसके बाद में थोड़ा सा चेंजेस आया है इयर्स का। तो जो एनुअल प्लान्स किया गया था इसके अंतर्गत, तो इसमें देख सकते हैं कि 1966 टू 1969 तक इसमें दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो ईयर्स है ये मेनली 3 ईयर्स के ही दिखाई देता है हमारी नज़रों में। इसके बाद में ही जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो आपका लॉन्च किया गया था 1969 टू 1974 तक। नेक्स्ट है फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 1978 तक चला है। इसके बाद में थोड़ा सा दोस्तों फिर से एक रूलिंग कैप्चर आया था जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स के बाद में इसको लॉन्च किया गया था, जो 1978 से लेके 1980 तक उसको रोलिंग किया गया था। देन इसके बाद में आता है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, तो 1980 टू 1985 तक ये आपका कंटिन्यूशन में चला है। नेक्स्ट आता है सेवेंथ 5 ईयर प्लान जो है 1985 टू 1990 तक चला है, जो कंटिन्यूएशन पे है। फिर इसके बाद में एक और आता है एनुअल प्लान जो 1990 टू 1991 एंड 1991 टू 1992। इसके बाद में हमारे पास एट्थ 5 ईयर प्लान जो है 1992 टू 1997, नाइन्थ 5 ईयर प्लान जो है 1997 टू 2002, 2002 टू 2007, 11, 2007 टू 2012, 2012 टू 2017, ये आपका नॉर्मली हर जगह पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने एक सोल्यूशन निकाला है इसको ट्रिक को याद करने का। तो जो आपका दिख रहा है दोस्तों थर्ड 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान और आपका सेवेंथ 5 ईयर प्लान, इसी बीच में दोस्तों ये कुछ कुछ जो चेंजेस हैं इसी के बीच में ही चेंज हुआ है। तो ये ट्रिक है थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ 5 ईयर प्लान में जो ईयर जो है चेंज हुआ है। तो इसी को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, आपके दिमाग में पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं हमारे थर्ड जो स्टार का जो साइन दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए मैंने पहले से इनपुट किया गया था कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद में एनुअल प्लान चलाया गया है। तो जो एनुअल प्लान जो है मोस्टली 3 ईयर्स का हुआ है लेकिन उसको एनुअल प्लान बोला गया है। देन नेक्स्ट है फिफ्थ 5 ईयर प्लान में भी थोड़ा सा चेंजेस है। इसके बाद में आपका जो 78 78 टू 80
ये मेनली 2 इयर्स का जो प्लान जो है रोलिंग किया गया था, रोलिंग प्लान जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 6th 5 ईयर प्लान, इस कंटिन्यूएशन में। देन अगेन जो आता है आपका 7th 5 ईयर प्लान के बाद में 1985 to 1990, फिर इसके बाद में ही आपका चेंज किया गया है, दो 1 इयर्स का, 1 1 इयर्स का एनुअल प्लान था जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो इधर का दोस्तों आप सभी को लगभग याद ही होगा कि कंफ्यूजन हमें 3rd, 5th और 7th नंबर के जो 5 ईयर प्लान है उसी के बाद में ही चेंज हुआ है। तो दोस्तों एक थोड़ा सा मेरा एक ट्रिक था, शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप बुक से और थोड़ा सा रीड कर लीजिए। ये मैं याद करने का जो ट्रिक है ये मैंने आपको समझाया है। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से और कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।